गुड मॉर्निंग गाइस। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बर्ड्स मेरे रूम के बाहर आ गए, चहचहा रही थी और अचानक से मेरी आँख खुली और मैंने सोचा क्यों ना बाहर उठ के देखूँ कौन सी बर्ड्स है, लेकिन मुझे कुछ और ही नज़र आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या नज़र आया और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये नज़ारा है मेरे रूम से निकलते ही, और क्या कमाल का व्यू है। सनराइज जस्ट होने वाला है और आप शायद बड़ी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों सनराइज पूरी तरह से हो चुका है और आप ये देखिए क्या शानदार व्यू है ना। अब प्लान यह है कि मैं पहले तैयार होऊंगा और यहाँ से सीधा निकलूँगा कलसी की तरफ। कलसी मेरे रास्ते में ही है और मुझे पता चला कि वहाँ पे एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो मेरा प्लान यह है कि पहले मैं उस जगह को देखूँगा और फिर मैं घर की तरफ निकलूँगा। तो चलते हैं, तैयार होते हैं और पहुँचते हैं कलसी। मैं रेडी हूँ और मेरी बाइक भी रेडी है, तो अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचेंगे। निकलते हैं चकराता से, करते हैं चकराता को गुड बाय। तो ये था दोस्तों चकराता, और अब हम चकराता को पीछे छोड़ चुके हैं। वाकई में चकराता बहुत खूबसूरत जगह है और थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मतलब इतने टाइम से सोच रहा था कि हाँ चकराता घूमना है और फाइनली जाके अब मौका मिला। एनीवे देर से सही पर आए तो सही चकराता, और वाकई में यार बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली मोइला टॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टाइगर वाटरफॉल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और आज सुबह जो एक्सपीरियंस हुआ ना, जो सनराइज़ था वो कमाल का सनराइज़ था। दोस्तों अभी मैं हूँ कलसी में और एक ये व्यू देखिए, और इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बहुत ही ऐतिहासिक है। बहुत छोटी सी जगह है, ये देखिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये है क्या चीज़। Thank you.
अशोक का शिलालेख। ये है वो अशोक का शिलालेख जो कि यहाँ पे है, मौजूद है, और इस पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता उसको। लेकिन वाकई में यार ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, मतलब अशोकन रॉक एडिक्ट, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखें, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, और यहाँ से कलसी का व्यू देखिए। गेहूँ के खेत पक चुके हैं, और ये देख रहे हो, और इस खूबसूरती के बीच ये एक ऐतिहासिक जगह है। थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती को देखिए। दोस्तों ये था अशोक का शिलालेख, और अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और चक्राता की बाकी वीडियोस भी अगर पसंद आई हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए ये वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आप इन खूबसूरत रास्तों का मज़ा लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नई ट्रिप पर, नई जगह के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू।